होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें 8092201666। बोकारो के दो लावारिस मासूम भाई बहन को मिला झारखंड सरकार के अधिकारियों का सहारा। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर मार्केट के पाली सिनेमा हॉल के पास बने यात्री पड़ाव के समीप दो लावारिस अनाथ भाई बहन कई दिनों से भुखमरी की जिंदगी गुजारने को विवश थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की का भाई, जिसकी उम्र 8 साल है, वह अपनी विकलांग बहन के साथ भीख मांगकर खाता है और अपनी बहन की परवरिश करता है। उसकी बहन के पैर जल गए हैं, वह चलने में बिल्कुल असमर्थ है, वह भुखमरी की कगार पर है। भुखमरी की वजह से जिंदगी बचाने और मौत से जूझने लगी है। वहीं इस घटना की जानकारी एनजीओ चलाने वाले संस्था युवा जागृति मंच के सदस्यों को मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित से मिलने उस स्थान पर पहुंचे और जिला के आला अधिकारियों से संपर्क साधा। घटना की सूचना मिलते ही बोकारो जिला के महिला बाल कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आए और दल बल के साथ पीड़िता से मिलने पहुंचे। बोकारो पुलिस अधिकारी की माने तो पीड़ित रजनी की उम्र लगभग 12 वर्ष है। उसके दोनों पैर जले हुए हैं, वह चलने में बिल्कुल असमर्थ है। इसकी सुरक्षा उपचार का ध्यान रखते हुए दोनों भाई बहन को सरकारी अनाथालय ले जाया गया। वहीं बोकारो में सामाजिक काम करने वाली संस्था युवा जागृति मंच के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली कि एक लावारिस अनाथ बच्ची भुखमरी से जूझ रही है और जली हुई है। उसको देखने वहां पर पहुंचे हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा और महिला पुलिस थाना को सूचना दी। बोकारो पुलिस ने सूचना को गंभीरता लेते हुए पीड़ित रजनी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर पीड़िता रजनी तथा उसके भाई राहुल से बातचीत करते हुए उन दोनों के हालात से परिचित हुए। मंच के लोग इस भाई बहन के अटूट प्यार को देखकर काफी प्रभावित हुए। मंच के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे अनाथ और लावारिस बच्चों पर ध्यान दे। हमारी संस्था झारखंड सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करती है और ऐसे सभी अनाथ एवं लावारिस बच्चों को सेवा प्रदान कर उन्हें नई जिंदगी दी जाए। बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। और हमारे संस्था के सभी लोग यहाँ पर आए और उससे उचित इलाज के लिए हमने महिला बाल कल्याण को सूचना दिया, उसके बाद महिला थाना को सूचना दिया और थाना तुरंत आई और उसे अनाथालय में ले जाने ले गई। हमें ये लगता है कि इस तरह की बच्ची और इस तरह के अनाथ बच्चों के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इस तरह के अनाथ बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं या जो जिनका कोई नहीं है, मुझे तो लगता है उनका सरकार है। और इस बच्ची के भाई के प्रेम को देखकर हमें हमारी संस्था को बहुत खुशी हुई कि इतना प्रेम, जो अपनी बहन को भीख मांगकर खाना खिला रहा था और वैसे प्रेम को देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा थोड़ी सरकार की व्यवस्था से हुई कि इससे अगर सरकार का ध्यान नहीं है, इससे हमारी संस्था थोड़ा बरमाहत है। लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आई, सरकार आई के द्वारा कदम उठाया गया और उसे तुरंत उचित इलाज के लिए सरकार के द्वारा हमें प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उसका उचित इलाज कराया जाएगा और उसे अनाथालय में रखकर उसका समुचित इलाज कराया जाएगा। इसके लिए हम सरकार का आभारी रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। गुजारा करते हो? कैसे इसको खिलाते कैसे हो? मांग के खिलाते खिलाते। हमारे माँ बाप ने क्या कहाँ से खाना लाते हो? बहन के लिए मांग के खाना लाना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? तो हरी मंदिर के पास एक टापरा था, ठंडा का दिन में तो साड़ी में पूरा लग गया था, इसलिए तो पानी उनी लोग में मिला को पानी उनी बताया तो यहाँ से फिर लग गया सर दाग और फिटर में ठंडी सुनिश मंद आया गंदा को फिर वहाँ से बोला को तुमको भर्ती नहीं लेंगे, तेरा गार्जियन लाओ, तब तुमको भर्ती लेंगे, तेरा गार्जियन नहीं रहेगा तो भर्ती कहाँ से रहेगा? उन बोले कि मेरा माँ बाप तो है ही नहीं तो गार्जियन कौन रहेगा, इसलिए हम वहाँ से फिर चले। तो फिर तेल था, तेल में पड़ को आदमी दिया था, पूरा झड़वाई थी, घाव सूख गया, चलने का बड़ा दिक्कत हो रहा है, खड़ा नहीं हो पाती है, खड़ा नहीं होने पा रहे, चल फिर नहीं कर पा रहे। खाना वाना कैसे खाती है? माँ को मेरा भाई लाता है, पैसा से मांगता है तो वही होटल से खाना लाता है तो खाते है। ना मिली, जैसे कि हम गश्ती में गई हुई थी, फिर मतलब कि सूचना फोन द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची अली प्लाजा में पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए। हम लोग आए, फिर अभी अपना मतलब कि सरकारी मतलब जो भी
रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975 9386403891। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है